अपना ज़मींदार है, मैं इंटॉफिल से हूँ। मेरी एक समस्या है कि मेरे यहाँ पे एक लेडीज़ गुंडी है जिसका नाम प्रीति सित्तप है, वो पूरे लोग उससे वहाँ पे एंटोफिल में परेशान है, जो बच्चे लोग को एकदम परेशान करके रखती है। कोई बच्चा उसके डर से बाहर नहीं निकलता है, ना खेल सकता है। मेरे बच्चे लोग दोनों ट्यूशन जाते हैं, उसका एक 5 साल का लड़का है जो उसका नहीं है, वो किसी से 1.5 लाख रुपये में बच्चा खरीद के लेके आई। आज भी वो बच्चे का केस चालू है कोर्ट में, ठीक है। उसका दूध का बिजनेस है और ये मेरे दोनों बच्चे स्कूल में ट्यूशन में जाते हैं तो इन लोगों को धमकी देती है, इन लोगों को मारती है। एंटोफिल पुलिस स्टेशन में हम जब कंप्लेंट देने जाते हैं उसके ऊपर कोई भी FIR नहीं होती, पुलिस वाले भी उसके कुछ गोलमाल में मुझे ऐसा लगता है, और हमको ऊपर से पुलिस वाले फ़ोन करके धमकी देते हैं उसके बोलने पर। तो पुलिस वाले लोग ऐसा ये करेंगे तो कैसा चलेगा। हाँ, ये मेरे दोनों बच्चे से सुने हो कि उसके बच्चे लोग का क्या है क्या नहीं, और वो लेडीज़ कैसा टॉर्चर करती है मेरे बच्चे लोग को। बोल फलो। अच्छा, बेटा इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी आपके वहाँ पर जो होता है जिस तरीके से आपके साथ में किया गया है, तो आप क्या बताना चाहते हो? इधर एक श्लोक नाम का लड़का है ना, वो हम लोग को मारता है, हम लोग ट्यूशन में आते हैं, हम लोग का चप्पल छोड़ सकता है, हम लोग यहाँ देखो कैमरे में और हम लोग को धमकी देता है। उसकी मम्मी उसकी मम्मी को हम लोग बोले थे चप्पल छोड़ देता है उसकी मम्मी, और उसके दो जो बच्चे लोग हैं लोग हम लोग को मारने आते हैं। तो आपको इस तरीके से रोज तकलीफ होती है? चलिए, आप इतने दिन शबनम जी की जो गुंडागर्दी है एंटोफिल में, मुझे उम्मीद है कि शबनम आपा उनकी गुंडागर्दी हटा सकती है 101%। मुझे ये है, ये जो आपा है इनको मैं मेरे एरिया में भी लेके जाऊंगी। ऐसी लीडर हमको, डैशिंग लीडर हमारे एंटोफिल में भी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है सारे समस्या यही हटा सकते, इनके गुंडागर्दी हटा सकते। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।